अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता वर्चस्व भारत के हर आम और खास का काजू, बादाम, किशमिश और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स का खाना मुश्किल करने वाला है। साथ ही तालिबान के बढ़ते दबदबे से भारत सरकार को बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। कैसे, चलिए आज की चर्चा इसी पर करते हैं। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच काफी समय से द्विपक्षीय कारोबार होता आ रहा है। दोनों देश की सरकार के बीच अच्छे संबंध भी रहे हैं। इन अच्छे संबंधों के कारण ही भारत दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। साल 2020-21 में दोनों देशों के बीच 10,387 करोड़ का व्यापार हुआ था। इस व्यापार में भारत ने अफगानिस्तान को करीब 6,129 करोड़ के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए और 3,783 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स अफगानिस्तान से इम्पोर्ट किए। इतना ही नहीं, भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,251 करोड़ का निवेश भी किया हुआ है। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब यहाँ सवाल उठता ये है कि जो तालिबान बंदूक की नोक पर देश पर कब्जा कर रहे हैं, वो कारोबार की समझ कहाँ से लाएंगे? और मान लीजिए व्यापार की समझ रखते भी हों, लेकिन भारत सरकार तो तालिबान को मान्यता नहीं देती। ऐसे में सीधा असर भारत और अफगान के व्यापार पर पड़ना तय है। फिलहाल स्थिति ये है कि अफगानिस्तान की सरकार देश छोड़ चुकी है और वहां की जनता जान बचाने के लिए मारी मारी फिर रही है। ऐसी परिस्थितियों में कारोबार होना लगभग नामुमकिन हो चुका है। अब मुद्दे की बात यह है कि इन सब से भारतीयों पर यानी आप पर क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल भारत अफगानिस्तान से किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पिस्ता, सूखे खुबानी जैसे मेवा इम्पोर्ट करता है। इसके अलावा अनार, सेब, चेरी, खरबूजा, तरबूज, हींग, जीरा और केसर जैसी चीजें भी इम्पोर्ट करता है। लेकिन तालिबान से भारत के रिश्ते ठीक नहीं है। ऐसे में व्यापार नहीं होगा और व्यापार नहीं होगा तो देश में ड्राई फ्रूट्स की थोक और खुदरा बाजारों में कीमतें बढ़ जाएंगी। फिलहाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें पहले से ही 5-10% तक बढ़ गई हैं। यानी आपको किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर जैसे मेवा महंगे दामों पर मिलेंगे। इसके अलावा भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में काफी निवेश भी किया है, जो अब डूबता नजर आ रहा है। 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,251 करोड़ का निवेश किया। पिछले 2 दशक के दौरान भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए काफी काम किया। भारत ने ही अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भी करवाया। भारत ने यहाँ डेलाराम और जरांज सलाम बांध के बीच करीब 218 किलोमीटर लंबा सड़क का निर्माण भी करवाया। इससे अफगानिस्तान के रास्ते मध्य यूरोप तक भारत की पहुंच आसान हो जाती और इस रूट से भारत मध्य यूरोप के साथ कारोबार भी कर पाता। लेकिन अब इन सब योजनाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है। यहां आपको बता दें कि अफगानिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, यानी इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसलिए भारत का अफगानिस्तान से होने वाला हर कारोबार पाकिस्तान होते हुए बाघा बॉर्डर के जरिए किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तो पहले से ही सही नीयत नहीं रखता। इसलिए ऐसे में आप या तो बादाम, अखरोट जैसे मेवा खाने भूल जाएं या फिर महंगे खाने की आदत डाल लें।